हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम अपने कामों को अगर थोड़ी सी चालाकी से करते हैं, थोड़ी सी जानकारी से करते हैं, टिप से करते हैं, हमारा काम जो होता है बहुत ही आसान होता है, काफ़ी बचत होती है, हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए मार्केट नहीं जाना पड़ता है, हम अपनी मुश्किल को खुद ही हल कर लेते हैं। तो वीडियो को देखना ज़रूर लास्ट तक, और वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमने सबसे पहले ली है लोहे की कढ़ाई। जैसे कि आप लोहे की कढ़ाई में खाना खाना पसंद करते हैं, इससे बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन इसको धुलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको साफ करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इसे साफ करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, जैसे कि हमारी कढ़ाई काफ़ी गंदी हो गई है, इसको हम इस तरह से, हमने नींबू का टुकड़ा लिया है आधा, और इसको गैस पर रख के गैस को ऑन किया, और नींबू के इस टुकड़े को इस तरह से आपको घिसना है, जहाँ जहाँ पर आप हल्के हाथों से नींबू को इस तरह से लगाते जाएंगे, आपकी कढ़ाई का जो कलर होगा बिल्कुल वाइट होता जाएगा, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा, कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, मांजने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गैस को हमने ऑफ़ कर दिया है, नीचे कढ़ाई गर्म है अभी, इस स्टेज पे इसी तरह से हम नींबू को इस तरह से मैं लगा रही हूँ, जिससे कि गर्म कढ़ाई में हल्के हाथों से इसे लगा देना है। नींबू लगाने से बिल्कुल अच्छे से चमक आ जाती है, मांजने की ज़रूरत नहीं है, घिसने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपकी कढ़ाई इस तरह से गंदी हो जाती है, आप इस तरह से साफ कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के, बिना किसी मेहनत के, सिर्फ एक नींबू की हेल्प से आपकी लोहे की कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चमक जाएगी। उसके बाद बहुत सारा टिप्स है। अब इसको जब हमने साफ़ कर लिया है तो बस इसे हल्का सा स्क्रब से साफ़ करना है। स्क्रब में थोड़ा सा विम जेल डाल दिया हमने, जो कि हमने भी वीडियो शेयर किया है, ये बहुत ही अच्छा होता है। सिर्फ नमक डालने से आपका ये विम जेल बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। इस तरह से हमने हल्के हाथों से इसे मांज दिया है, थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, और बिल्कुल कढ़ाई आपकी सफ़ेद हो जाती है। तो इस लोहे की कढ़ाई को अभी बारिश के मौसम में किस तरह से रखना है, ये हमने इसे सूखे कपड़े से सुखा दिया और फिर इसको गर्म कर दिया थोड़ा सा गैस पे हल्का सा, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। अब इसे आपको एक महीने, दो महीने, छः दिन, चार दिन नहीं यूज करना है, तो आपको इस तरह से जो आपके पास जला हुआ तेल बचता है, मैं ये जला हुआ तेल जो बचता है इसको एक जार में, शीशी में, किसी भी बर्तन में रखती जाती हूँ, उसको इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। जले हुए तेल को आप फेंक देते हैं, एक बार दो बार यूज़ करने के बाद उसको यूज़ करने से हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। कढ़ाई हमारी हल्का सा गर्म है, उंगली की हेल्प से इस तरह से हमने सारी कढ़ाई में तेल लगा दिया और फिर इसे कपड़े से पोंछ दिया, ताकि ज़्यादा तेल भी ना लगा हो और हम खाना आसानी से बना सकें, बिना धुले भी हम बना सकें। इस तरह से मैंने कपड़े से, किचन के कपड़े से, साफ कपड़े से इसको पोंछ दिया है। अब ये कढ़ाई आपकी एक महीने के लिए, दो महीने के लिए, साल भर के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। इसे आप सूखी जगह में कहीं भी अच्छे से टांग दीजिए, रख दीजिए, हैंग कर दीजिए, कैसे भी, काफ़ी यूजफुल टिप्स है। अब हम बात करते हैं मिक्सी जार की। ये जार में जब हम जूस बनाते हैं, मसाला पीसते हैं या कुछ भी शेक बनाते हैं, तो इसकी स्मेल रह जाती है, जिससे कि हमें कोई भी चीज़ बनाना होता है तो उसकी स्मेल जो है, जैसे एक दिन बाद, दो दिन बाद इसे हम खोलते हैं तो इसका अजीब सा स्मेल आता है। इसको दूर करने के लिए आपको एक दो बूंद विम जेल डालकर इस तरह से, देखिए, आपको डाल देना है, और इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, आधा गिलास पानी डालने के बाद इससे आपको चला देना है। इसको चलाने से क्या होगा, आपका जो जार होगा बहुत ही अच्छी सी स्मेल आएगी, बहुत ही अच्छी सी इसकी सफाई हो जाएगी, क्लीनिंग हो जाएगी, जो कि अंदर की जो सफाई होती है वो हो नहीं पाती है। हम कितना भी इसे मांजते हैं, धुलते हैं, कुछ भी करते हैं, ये अच्छे से साफ़ नहीं होता है। जब आप इसे एक सेकंड के लिए, दो सेकंड के लिए इस तरह से चला लेते हैं, आपकी मिक्सी जो है बहुत ही अंदर से क्लीन हो जाती है। तो इस तरह से जब भी आपके मिक्सी जार में आप शेक बनाएं, मिक्सी या मसाला बनाएं, कुछ भी बनाते हैं आप, इस तरह से आप ज़रूर एक बार चला कर इसको दूर कर रख दीजिए। देखिए बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई है, बहुत ही यूज़फुल टिप है मिक्सी को साफ़ करने का। जैसे कि दाल वगैरह हम पीसते हैं, इडली के लिए चावल पीसते हैं, या बड़े के लिए दाल, तो कुछ ना कुछ तो फंसा ही रहता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा विम जेल डालकर, पानी डालकर इसे चला लेना है। कितनी अच्छी सी खुशबू आ जाती है, ये आप कितने दिन भी रखेंगे इसे सुखा कर, ये बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, और इसमें किसी भी तरह की गंदगी नहीं रहेगी। तो बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। अगली टिप की बात करते हैं, हम आटे को छानते हैं इस तरह से, चलनी से तो थोड़ा बहुत बाहर गिर ही जाता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए।
हमने लिया है एक कप। कप को आप इस तरह से रख कर जब छानते हैं आटे को तो एक भी आटा आपका बाहर नहीं गिरेगा। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। कप की हेल्प से आप आटे को बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं। गिलास भी ले सकते हैं, कटोरी भी ले सकते हैं। इस तरह से ये काफ़ी यूजफुल टिप्स है, इससे आप ज़रूर ट्राई करना। मेरी कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले टिप की बात करते हैं, जैसे कि आप इडली बनाते हैं, एल्यूमिनियम का बर्तन जब आप यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि खासकर आप इसमें पानी डालते हैं, कुकर हो या भगोना हो या स्टैंड हो, तो आप जब भी आप पानी गर्म करेंगे आपके बर्तन में कालापन हो जाएगा, दाग हो जाएगा, धब्बे हो जाएंगे, बिल्कुल गंदा लगता है। तो इसके लिए आपको बस एक नींबू का टुकड़ा डाल देना है, आपका बर्तन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, मांजने की घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।